सल्ला, एक बार फिर आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे और सुखी होंगे, सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है 21 जुलाई, संडे का दिन है और इस वक्त शाम हो चुकी है और मेरे आसपास आपको शायद दिख रहा होगा कि देखिए ये लेमन महाराज मेरे पास ही बैठे हुए हैं आराम से, कितने मजे में देख रहे हैं आप, सोफे के ऊपर पसरे हुए हैं, इनका राजपाठ चल रहा है यहाँ, ये आराम कर रहे हैं। और मेरे दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो शायद मैं दिखाती हूँ आपको, ये देख, ये देख, ये कौन है, ये देखो मेरी स्पार्कल भी यहाँ पे खड़ी हुई है, तो इन लोगों का भी राजपाठ चल रहा है। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं आप लोगों के साथ। तो इनके अलावा मेरे हस्बैंड, मेरे प्यारे प्यारे हस्बैंड, वो कहाँ हैं, चलिए आपको उनसे भी मिलवा देती हूँ। संडे का दिन है, शाम हो रही है, घर में ही है, रेस्ट कर रहे हैं, तो चलिए आपको मिलवा देती हूँ। देखिए अभी तक हमारा बर्थडे का बुखार अभी तक उतरा नहीं है, हालांकि बलून्स की जान निकल चुकी है, लेकिन फिर भी जैसा भी है अभी तक बलून्स हैं यहाँ पे। हाँ जी, कहाँ पर हैं आप, आइए मेरे व्यूअर्स से हेलो कर लीजिए, बात कर लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? और शाम का मौसम हो चुका है, बढ़िया मौसम है। चलो क्या बनेगा भाई आज खाने में? यार तुम हर बार क्या, मैं क्या तुम्हें कुक नजर आती हूँ जब भी दिखाई देती, खाने में क्या बनेगा, किसका क्या मतलब है? शाम का टाइम है, कुछ ना कुछ तो खाएंगे ना, भी चाय के साथ, चाय भी बनाओगे अभी? नहीं, चाय तो बनेगी डेफिनेटली, लेकिन यार ये क्या मतलब हुआ, बस सीधे कुछ ना क्या बनेगा, कुछ ना कुछ तो बनाऊंगी, बनाओ बनाओ खाने के, तो बनाओ चाय भी, फिर क्या बना रही हो? कुछ ना कुछ तो बनाऊंगी, बना रही हूँ, कुछ ना कुछ सरप्राइज है, बनाना चटपटा, हाँ हाँ चटपटा बनाऊंगी। तो तुम ऐसा करो, जब तक मैं बनाती हूँ तुम ऐसा करो कि कल ऑफिस जाना है और तुम्हारी शेव हो रही है बहुत बड़ी, मुझे अच्छी नहीं लग रही बिल्कुल भी, तुम ऐसा करो जब तक तुम अपना शेव वगैरह कर लो। ऐसे कुछ लग रहे हो वैसे, मुझे तुम चमर का डाकू से कम भी नहीं लग रहे हो। ठीक है फिर तुम कर लो, हाँ हाँ तुम शेव कर लो। तो फ्रेंड्स, जब तक मेरे हस्बैंड गए हैं शेव करने के लिए, तब तक मैं उनके लिए कुछ नाश्ता बना लेती हूँ। तो आज मैंने उनको सरप्राइजली बना के देने के लिए सोचा है कि मैं उनके लिए बनाने जा रही हूँ वेजिटेबल स्प्रिंग रोल्स। तो चलिए मैं चलती हूँ किचन में, आप लोग भी मुझे ज्वाइन कीजिए किचन में। तो तैयार करते हैं कुछ अच्छे से स्प्रिंग रोल्स, आई होप कि अच्छे बन जाएं। तो चलिए चलते हैं किचन में। सबसे पहले हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं, उसके लिए मेरे पास चाउमीन नहीं थी तो मैंने मैगी नूडल्स को बॉईल करने रख दिया है, यहाँ फ्राई पैन में तेल डाल के इसको गर्म करने के लिए रख दिया है। और मैंने स्टफिंग के लिए जो चीज़ें ली हैं वो है, थोड़े से लहसुन चॉप कर लिए हैं बारीक, थोड़ा सा कैप्सिकम ले लिया है, थोड़ा ग्रेटेड ले लिया कैरेट, थोड़ा सा मैंने कैबेज को चॉप कर लिया है, इसी के साथ मैंने थोड़ा सा करीब 1.5 टीस्पून मैंने इसके अंदर सोया सॉस ले लिया है, ये डार्क सोया सॉस है इसलिए थोड़ा कम लिया है मैंने, लाइट हो तो 2 टीस्पून ले सकते हैं। ये थोड़ी सी मैंने काली मिर्च कूट के रख ली है, इसके साथ नमक लिया है और मैंने इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च सिरका ले लिया है इसमें। Oh, 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 oh,
और अब मैं तैयार करने जा रही हूँ स्प्रिंग रोल्स के लिए अपना आटा। ठीक है, तो चलिए इसकी तैयारियाँ कर लेते हैं। हाँ भाई, अरे बेबी भी आ गए, मेरे हस्बैंड आ गए मेरे। शेव कर लिया मैंने, देखो चमक गया। अब तो नहीं लग रहे ना टापू? नहीं नहीं, अब टापू नहीं लग रहे, अब आप अच्छे लग रहे हो, अब आप अच्छे लग रहे हो मुझे। बस यार मैं नाश्ता ही बना रही हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा बस, अभी होने ही वाला, थोड़ी देर तो लगेगी यार। चाय पीनी है? चाय में भी टाइम लगेगा यार, मैं दो ही हाथ है यार, मैं क्या क्या करूँ। चलो कोई नहीं, चाय आज तुम्हें मैं पिलाता हूँ। थैंक यू सो मच बेबी, थैंक यू सो मच। तुम्हारे व्यूअर्स को भी पिलाएंगे। थैंक यू सो मच, आई एम सो हैप्पी। थैंक यू। तो चलिए आज मेरे हस्बैंड के हाथ की चाय मिलेगी पीने के लिए आपको भी। फ्रेंड्स, आटा लगाने के लिए हमने ले लिया है तकरीबन एक कटोरी मैदा, उसके साथ उसके अंदर हमने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डाला है, थोड़ा सा नमक डाला है, थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल चाहिए हमको, और थोड़ा सा सिरका, इसकी जगह नींबू भी ले सकते हैं, पर मैंने 1 टीस्पून के करीब सिरका डाला है इसमें। और इसको सादे पानी के साथ मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक अच्छा सा आटा गूंद के तैयार कर लेती हूँ। तो गाइस देखिए, ये हमारे स्प्रिंग रोल शीट्स हो गए रेडी। मेरी मैम थोड़ा हेल्प करो, इसको हटाओ, कपड़े को हटाओ, बस ढक दो। और ये देखिए, इस तरफ हमारी चाय भी चढ़ चुकी है और चाय बना रहे हैं मेरे प्यारे प्यारे हस्बैंड। चाय बनाने में वैसे काफ़ी एक्सपर्ट हैं, इनकी चाय मुझे बहुत पसंद है। इनफैक्ट मुझे क्या, सबको ही अच्छी लगती है, पापा को भी बहुत पसंद आती है इनकी चाय। तो ये डली हमारी चाय की पत्ती, सौंफ, इसके अंदर सौंफ और चीनी और चाय की पत्ती डली हुई है। अरे अभी भी कुछ आना बाकी है। अच्छा, तो ये तो लगता है मुझे कि ये तो थोड़ा थोड़ा काढ़ा कम चाय बन रही है। हाँ, तुम्हारा का टाइम पे बोला है ना कि चाय पीने के लिए। तैयार हो गए, तो चलिए मैं अपने हस्बैंड को दिखाती हूँ, टेस्ट करवाती हूँ और देखती हूँ कि मुझे कुछ मार्क्स भी मिले या बस नहीं। चलिए चलते हैं। बेबी, हाँ क्या हुआ? स्प्रिंग रोल्स तैयार हो गए। अरे वाह, अरे ये तो बहुत अच्छा है। तो आज तो मेरे हस्बैंड ही आप लोगों को टेस्ट करवाएंगे, तो करवाइए कैसा बना है। तो ये पहला बाइट हमारे सब्सक्राइब के लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए, प्लीज एक्सेप्ट कीजिए। अब आप खा के बताइए कैसा बना है। फीलिंग तो अच्छी हुई है इसकी, बाकी टेस्ट पे है। अच्छा बेबी, बाहर वाले हलवाई फेल कर दिए। सॉरी हलवाई, अब नहीं आएंगे, अब तो घर पे ही खाएंगे। बड़ा टेस्टी है, आप भी खाइए, घर में बनाइए, बड़े टेस्टी बने। सीरियसली चलो खाओ, तुम्हारे लिए तो बनाया मैंने। थैंक यू। चलो मेरी भी बारी, मैं भी खाऊंगी भाई। मेरे को तो खिलाते ही नहीं हो, खुद ही खाने में लग जाते हो। अच्छा बना। अच्छा तुम रहने दो। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का छोटू मोटू ब्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में अपनी नई तैयारियों के साथ। तो हमें देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।